गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, वर्क अराउंड अस। ओके, आज इस चैप्टर का हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 2 एक्सरसाइज दी थी बुक में करने के लिए, आई होप आपने कंप्लीट कर ली होगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ेंगे हम। चाइल्ड लेबर क्या होता है? देयर आर मेनी पुअर फैमिलीज हु कैन नॉट सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे परिवार गरीब होते हैं और ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। दे डू नॉट हैव सफिशियंट मनी टू स्पेंड ऑन देयर चिल्ड्रन फॉर स्कूलिंग, क्लोथिंग एंड अदर नीड्स। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सके, उनको पढ़ाने के लिए, उनके रोज मतलब हमेशा उनके नए नए कपड़े खरीदने के लिए और उनकी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट दीज चिल्ड्रन हैव टू वर्क लाइक एडल्ट। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है? जो बच्चे हैं उस फैमिलीज़ के, वो क्या करते हैं? बड़ों की तरह दूसरों के यहाँ जाकर नौकरी करते हैं, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो वो क्या होते हैं? चाइल्ड लेबर होता है, मतलब बच्चों से क्या करवाना? काम करवाना। दे वर्क ऑन स्ट्रीट्स नियर रेलवे स्टेशंस एंड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, ऐसे बच्चे कहाँ काम करते हैं? या तो गलियों में काम करते हैं, नियर रेलवे स्टेशंस, जो आसपास रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर जाकर काम करते हैं, या फिर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती, घर बनते हैं या पुल बनता है, कुछ भी अगर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पर जाकर वो बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चाइल्ड लेबर, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। दे वर्क फॉर दी होल डे टू अर्न मनी फॉर देयर फैमिलीज। वह पूरा दिन अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए पूरा दिन क्या करते हैं? काम करते हैं। दे वॉन्ट टू स्टडी बट कैन नॉट अफोर्ड इट। वे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वे अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड मतलब वे उस चीज़ के लिए, मतलब स्कूल की अपनी फीस नहीं भर सकते हैं, इसलिए वो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। दीज चिल्ड्रन ऑल्सो वर्क इन कारपेट वीविंग फैक्ट्रीज, क्लोथ वीविंग फैक्ट्रीज, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप्स, फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो कहाँ पर काम करते हैं? कारपेट वीविंग फैक्ट्रीज, मतलब जहाँ पर गलीचे बनते हैं, दरियाँ बनती है, बेडशीट बनती है, तो उनको कहा जाता है कारपेट वीविंग फैक्ट्रीज। क्लोथ वीविंग फैक्ट्रीज मतलब जहाँ पर कपड़े बनते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, जहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनती है, या फिर फायर क्रैकर्स, जहाँ पर फटाके बनते हैं। तो ऐसे बच्चों को ऐसी फैक्ट्रीज़ में क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। चाइल्ड लेबर इज़ द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन टू डू वर्क डैट शुड बी डन बाय एडल्ट्स। चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों का उपयोग करना, उनको काम करवाना, जैसा कि हम बड़ों से काम करवाते हैं। इट रिफर्स टू वर्क डैट, क्या क्या उनको काम करना होता है और इससे उनकी लाइफ पर क्या क्या असर पड़ता है, वो यहाँ पर बताया है। इंटरफियर्स विद देयर स्कूलिंग, ठीक है, उनके साथ बहुत गलत होता है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। इंटरफेयर मतलब उनकी स्कूलिंग लाइफ में इंटरफेयर हो जाता है, वो उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, उनको पढ़ना नहीं मिलता है। इज़ मेंटली, फिजिकली, सोशली और मॉरली डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। ये जो चाइल्ड लेबर है, यह उनके दिमाग के लिए, शरीर के लिए, समाज के लिए, उनकी नैतिक शिक्षाओं के लिए बहुत ही हानिकारक है और हार्मफुल है, मतलब उनके लिए नुकसानदायक है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका हर तरह से जो ग्रोथ है उनकी रुक जाती है, उनका विकास नहीं हो पाता है और वह शुरू से पैसा कमाने में लग जाते हैं। डीप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, और बच्चे अपने बचपन से वंचित रह जाते हैं, उनका बचपन वहीं ख़त्म हो जाता है और वह बड़ों की तरह काम करने लगते हैं और पैसा कमाने लगते हैं। चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल इन आर कंट्री। हमारे देश में जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों से जो काम करवाना है, वो इलीगल है, मतलब अवैध है, बंद है, लीगली उसको परमिशन नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉस टू एंड चाइल्ड लेबर। जो इंडियन भारतीय सरकार है, उसने कुछ नियम बनाए हैं इसको बंद करने के लिए।
इट प्रोहिबिट्स द चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स टू वर्क. उसने रोक लगाई है, प्रोहिबिट्स मतलब रोक लगाना, ऑफिशियली उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करना, उस चीज़ के लिए मना ही है कि आप 14 साल से छोटे बच्चों से काम नहीं ले सकते हैं. ठीक है, फिर भी लोग जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं. तो इस चीज़ को हमें, अगर हम हो सके, अगर हमारी हेल्प से कुछ बच्चों को कुछ हेल्प मिल जाए पढ़ाई करने में, उनको हम हमारे कपड़े दे सकें छोटे बच्चों के, अगर उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, पढ़ने के लिए उनके पास बुक्स नहीं है, तो हम इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं. नाउ नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी है, ये जो अभी चाइल्ड लेबर के बारे में हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये फिलअप्स हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना है. डैश इज़ द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन टू डू वर्क दैट शुड बी डन बाय एडल्ट्स. ओके, यहाँ पर आपको ये सेंटेंस ढूंढ के फिल करना है. चाइल्ड लेबर इज़ डैश इन इंडिया. चाइल्ड लेबर इंडिया में क्या है, ये लिखा है यहाँ पर इलीगल, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, इलीगल. चाइल्ड लेबर इंटरफियर्स विद डैश ऑफ चिल्ड्रन. किस में इंटरफियर्स करता है वो, उनकी स्कूलिंग में. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, विद स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन. तो ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही कंप्लीट करना है. चैप्टर रीडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. थैंक यू.